नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद और आप देख रहे हैं कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इलेक्शन का सबसे बड़ा शो भागलपुर से लाइव। बिहार की राजनीति में दरअसल एक ऐसा मुद्दा है जो सभी को घनचक्कर बना रहा है। आपको बता दें, बीजेपी किसकी, ऐसा लग रहा है कि जेडीयू और एलजेपी के बीच इसी की लड़ाई छिड़ी हुई है। हालांकि औपचारिक तौर पर जेडीयू के साथ है बीजेपी, लेकिन एलजेपी वाले कह रहे हैं कि हम बीजेपी के साथ आने वाले दिनों में सरकार बनाएंगे यहां पर। और आज तो बीजेपी को बाकायदा धमकी भरे अंदाज में यह कहना पड़ गया एलजेपी को कि आप प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे का इस्तेमाल नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों का उपयोग नीचे करो, नीचे करो, यही गठबंधन करके लोग कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी एफआईआर लॉन्च करेगी। जो एनडीए गठबंधन के बाहर किसी भी पार्टी से लड़ेगा वो हमारा नहीं। ये मंच तो सजा था मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी की सीटों के ऐलान के लिए। डिप्टी सीएम सुशील मोदी, बीजेपी चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस और बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल के साथ वीआईपी पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी भी मौजूद थे। वीआईपी की सीटों का ऐलान भी हुआ, लेकिन इस मंच से जो शब्द बाण निकले उसका रुख चिराग पासवान की तरफ। भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों का उपयोग नीचे करो, नीचे करो, यही गठबंधन करके लोग कर सकते हैं। वही जो हमारे गठबंधन दल के सहयोगी कर सकते हैं। उसके बाहर अगर कोई भी प्रयोग करेगा तो उस पर भारतीय जनता पार्टी एफआईआर लॉन्च करेगी। चिराग पासवान लगातार पीएम मोदी को अपना रोल मॉडल बताते हुए चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। वो जेडीयू और बीजेपी को बिल्कुल नहीं पछ रहा। चिराग पासवान मोदी के चेहरे को लेकर अपनी और अपनी पार्टी की छवि मजबूत करना चाहते हैं। उनकी कोशिश उन वोटरों को साधने की है जो नीतीश सरकार से नाराज हैं, लेकिन एनडीए के कैडर और समर्थक हैं। इसीलिए चिराग पासवान बार बार मोदी के चेहरे और उनकी तस्वीरों का सहारा ले रहे हैं। लेकिन चिराग की सियासी चाल पर बीजेपी के नेता लगातार नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। बीजेपी ने एलजेपी से कहा है कि वो पीएम मोदी के चेहरे का इस्तेमाल चुनाव प्रचार में ना करें। जो हमारे एनडीए गठबंधन से लड़ेगा वो हमारा, जो एनडीए गठबंधन के बाहर किसी भी पार्टी से लड़ेगा वो हमारा नहीं। इसलिए जरूर एक बार ये प्रयास तो होता ही है कि उनको समझा कि मैं गलती बहुत करी है, लेकिन जो गलती करते हैं उनको मैं नहीं मानता कि हम लोग उधर एलजेपी का कहना है कि प्रधानमंत्री किसी पार्टी के नहीं बल्कि देश के हैं और पीएम हमारे लिए विकास के मॉडल। आज एबीपी न्यूज ने चिराग से जब इस मुद्दे पर सवाल किया तो उन्होंने कैमरे पर कुछ भी बोलने से मना कर दिया। सिर्फ इतना कहा कि फिलहाल उनके पिता रामविलास पासवान की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो ऐसी हालत में नहीं है कि कुछ बोल सके। चिराग पासवान के लगातार सामने आ रहे बयानों से बिहार चुनाव और ज्यादा दिलचस्प हो गया है, क्योंकि भाजपा और जेडीयू नीतीश कुमार के चेहरे को सामने रख करके चुनाव में उतर रहे हैं और दोनों ही ये दावा कर रहे हैं कि एनडीए की सरकार बनेगी। लेकिन चिराग पासवान, जो कि अब एनडीए का हिस्सा नहीं है बिहार चुनावों में, वो चुनावों के बाद की बात कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि चुनावों के नतीजे आने के बाद में भाजपा और लोजपा, यानी कि जो चिराग पासवान की पार्टी है, उसकी सरकार बनेगी और उस सरकार में जेडीयू की कोई जगह नहीं होगी। यानी कि बीजेपी की बात की जाए तो वो जेडीयू के साथ भी सरकार बनाने की बात कर रही है, और चिराग पासवान की बात की जाए तो वो भाजपा के साथ सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। और इसी वजह से जो बीजेपी के विरोधी दल हैं वो ये कह रहे हैं कि ये बीजेपी का डबल गेम है और बीजेपी इस डबल गेम के सहारे ही बिहार चुनावों में जाना चाह रही है। चिराग कभी मोदी की तारीफ करते हैं, कभी चुप्पी साध लेते हैं। उधर बीजेपी ये संदेश देने की कोशिश में है कि एलजेपी से उसका कोई लेना देना नहीं, लेकिन सियासी गलियारे में ऐसा भी कहा जा रहा है कि ये बीजेपी का प्लान बी भी हो सकता है। बीजेपी ने मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी को 11 सीटें दी हैं। इस लिहाज से बीजेपी बिहार में अब 110 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आपको बता दें, मुकेश सहनी दरअसल वही नेता हैं जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महागठबंधन छोड़ने का ऐलान किया था। किसी ने हमारे पीठ में खंजर भोंकने का काम किया, लेकिन इस देश में हमारे पिछड़ा का बेटा प्रधानमंत्री है, उन्होंने मल्ला का बेटा को पीठ में मलम लगाने का उन्होंने काम किया, इसके लिए मैं सदा आभारी व्यक्त करूंगा। पीएम मोदी की शान में कसीदे पढ़ने वाले ये वही मुकेश सहनी हैं जो महागठबंधन से अलग होकर अब बिहार में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए एनडीए के साथ है।
एक दिन पहले जब एनडीए ने सीट बंटवारे का ऐलान किया था तो वीआईपी पार्टी की सीटों की संख्या का जिक्र नहीं था। आज तस्वीर साफ हो गई। बीजेपी ने अपनी 121 सीटों में से 11 सीट वीआईपी को दी है और इसी के साथ बिहार में एनडीए गठबंधन में सीटों का बंटवारा पूरा हो गया। जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों का उपयोग केवल एनडीए के ही गठबंधन दल के लोग कर सकते हैं, वही जो हमारे गठबंधन दल के सहयोगी है वही कर सकते हैं। उसके बाहर अगर कोई भी प्रयोग करेगा तो उस पर भारतीय जनता पार्टी एफआईआर लॉन्च करेगी। अब विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन में चार पार्टियां शामिल हैं। जेडीयू और बीजेपी के बीच 50-50 का फॉर्मूला तय हुआ और बीजेपी ने आज वीआईपी सीट को 11 सीटें देने का ऐलान किया। साथ ही साथ वीआईपी को विधान परिषद की सीट देने का वादा भी किया गया है। बीजेपी से सीटों के फाइनल बंटवारे के बाद वीआईपी के मुखिया मुकेश सहनी ने बीजेपी और पीएम मोदी की तारीफ में खूब लच्छेदार बातें कही। 15 में भी हम एनडीए का पार्ट रहे और उसके बाद कुछ ही दिनों के लिए हम दूसरे रास्ते पे कह सकते हैं कि भटक गए थे, लेकिन अभी मुझे लगता है कि अपने सही जगह पे हम आए हैं। अब मुझे पूरा भरोसा है कि अति पिछड़ा का बेटा देश का प्रधानमंत्री है और जो हमारी लड़ाई है, खास करके निषाद समाज का जो आरक्षण की लड़ाई है, निश्चित तौर पे हम माननीय प्रधानमंत्री जी को हाथ को मजबूत करते करते हम चाहेंगे कि अब हमारे जो समाज है उनको मजबूती का प्रदान कराए। महागठबंधन को छोड़कर आए सहनी के मन में महागठबंधन को लेकर काफी खटास है। उनकी बातों में वो साफ साफ ही नजर आया। खुशी है कि किसी ने हमें खंजर भोका है और किसी ने हमारे पीठ में मलहम लगाने का काम किया है, तो यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है। मैं एनडीए का पार्ट हूँ और एनडीए में आने वाले समय में सरकार बने या जहाँ पे भी जो भी जवाबदेही हमें मिलेगा वो जवाबदेही को निर्वाह करेंगे। बिहार की राजनीति को बागियों ने बहुत ही दिलचस्प बना दिया है। जिन लोगों को जेडीयू या फिर बीजेपी से टिकट नहीं मिल पाया है, अब वो उन पार्टियों के खिलाफ ही, यानी जिन पार्टी में पहले थे उन्हीं के खिलाफ निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं या फिर चिराग पासवान के बंगले में जगह ढूंढ रहे हैं। चिराग की नजर सिर्फ नीतीश कुमार पर है और निशाना भी वो जेडीयू के तीर पर साध रहे हैं। यही वजह है कि बीजेपी के वो तमाम बागी जिन्हें इस बार टिकट नहीं मिला, उन्हें चिराग अपनी पार्टी से चुनाव लड़ाने के लिए मैदान में उतार रहे हैं। मिलिए इनसे। ये हैं बीजेपी के पूर्व विधायक उषा विद्यार्थी। उषा विद्यार्थी पटना की पालीगंज सीट से बीजेपी विधायक रह चुकी हैं, लेकिन इस बार टिकट कटा तो एलजेपी का दामन थाम लिया। वहाँ नामांकन करने जा रही हूँ और मैं पहले भी वहाँ की विधायक रही, पिछली बार मुझे टिकट नहीं मिला, इस बार भी वो टिकट ही जो बीजेपी का था जदयू में चला गया। तो आखिर मेरी जनता की जो आवाज थी कि आप आइए, हम लोग बैठे हैं जिताने के लिए, तो मैं धन्यवाद दूंगी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष और चिराग पासवान जी का, जिन्होंने मुझे सम्मान दिया और सम्मान देके मुझे सिंबल दिया कि आप जाके चुनाव लड़ें। बीजेपी या जेडीयू से टिकट कटने पर एलजेपी का हाथ पकड़ने वालों की फेहरिस्त लंबी है। जेडीयू के वरिष्ठ नेता भगवान सिंह कुशवाहा भी इसी लिस्ट में हैं, जिन्हें एलजेपी ने जगदीशपुर से अपना उम्मीदवार बनाया है। भैया हमको बड़ा सदमा लगा, ये मेरा सदमा नहीं बल्कि जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र में रहने वाले इंसान, किसी भी जाति बिरादरी के जो इंसान है उनको भी ये सदमा लगा होगा। इतना मेहनत करने वाला आदमी, खून और पसीना बहा करके इलाके को सींचने वाला आदमी का टिकट काट दिया गया और एक ऐसा आदमी का टिकट दे दिया गया महिला को जो 50 को वोटर का नाम नहीं बता सकती। कुशवाहा की सीट पर अच्छी पकड़ रही है, जाहिर है वो यहाँ जेडीयू का ही वोट काटेंगे। उधर दिनारा विधानसभा सीट से टिकट नहीं मिलने से नाराज राजेंद्र सिंह ने एक दिन पहले ही एलजेपी का दामन थाम लिया था। चिराग का एजेंडा साफ है, बीजेपी से उन्हें दिक्कत नहीं, लेकिन नीतीश के खिलाफ मन में जहर भरा हुआ है, इसीलिए वो उन सभी नेताओं को अपनी पार्टी में मिलाने में जुटे हैं जिनका जेडीयू और बीजेपी के गठबंधन होने की वजह से इस बार टिकट कट गया है। और अब बात करेंगे मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह की, जिन्होंने इस बार आरजेडी से अपना नामांकन भर दिया है। और नामांकन भरने के बाद अनंत सिंह ने तेजस्वी यादव को सीएम बनाने की बात कही। छोटे सरकार जिंदाबाद, 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 जेल का तारा टूटेगा, छोटे सरकार छूटेगा, जेल का तारा टूटेगा, छोटे सरकार छूटेगा, क्यों पड़ा है चक्कर में, कोई नहीं है।
सफेद पैंट शर्ट और चेहरे पर काला चश्मा लगाए हुए बाहुबली अनंत सिंह अपने जाने पहचाने स्टाइल में पुलिस की गाड़ी से उतरे तो समर्थकों ने अपने छोटे सरकार के लिए जमकर नारेबाजी की। जिंदाबाद के नारे और समर्थकों के हुजूम से अनंत सिंह ने एक बार फिर अपनी ताकत का नमूना पेश कर दिया। इस बार मोकामा के छोटे सरकार आरजेडी के टिकट पर चुनावी ताल ठोक रहे हैं। नॉमिनेशन के लिए आरजेडी से टिकट मिली गया। हाँ, मिल गया। समर्थकों का हाथ जोड़कर अभिवादन करते हुए अनंत सिंह आगे बढ़ रहे थे। हमारी संवाददाता निधिश्री भी अनंत सिंह के साथ मौजूद थी और जब एबीपी न्यूज संवाददाता निधिश्री ने अनंत सिंह से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने वाला सवाल किया तो सुनिए मोकामा के छोटे सरकार ने क्या कहा। तेजस्वी के लिए कह रहे थे कि तेजस्वी जो मुख्यमंत्री बनेंगे और आपके मुख्यमंत्री बने गए लोगों से बीच मिलकर नीतीश कुमार जेल जाएगा। तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेगा, नीतीश कुमार जेल जाएगा। बाहुबली विधायक अनंत सिंह ने एबीपी न्यूज के कैमरे पर खुले तौर पर सीएम नीतीश कुमार को चुनौती दी और फिर बाढ़ अनुमंडल कार्यालय में अपना नामांकन दाखिल किया। अनंत सिंह के साथ उनकी पत्नी ने भी बतौर निर्दलीय प्रत्याशी पर्चा भरा है। अनंत सिंह की लोकप्रियता और ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि बाहुबली अनंत सिंह 2005 से ही मोकामा से जीत रहे हैं। कभी अजगर तो कभी AK-47 के साथ तस्वीरों की वजह से अनंत कुख्यात रहे हैं। तेजस्वी से पहले सीएम नीतीश कुमार से इनकी काफी नजदीकियां थी और नीतीश कुमार इन्हीं छोटे सरकार को लेकर बदनाम थे। और जिन तेजस्वी यादव को अनंत सिंह मुख्यमंत्री बनवा रहे हैं उन अनंत सिंह को तेजस्वी एक वक्त में बैड एलिमेंट कहकर पुकारा करते थे। जो हमारी विचारधारा है हमारी पार्टी की उससे विपरीत उनकी विचारधारा है और आप देखिएगा जिस प्रकार के जो बैड एलिमेंट्स हैं उनको हम पार्टी में कतई नहीं आने देंगे। 2015 में नीतीश कुमार से खटपट के बाद अनंत सिंह निर्दलीय चुनाव में उतरे थे और जीत भी हासिल की थी। फिलहाल सत्ता से संबंध ठीक नहीं है तो सलाखों के पीछे वक्त गुजार रहे हैं, लेकिन अब अनंत सिंह ने अपना सियासी दांव चल दिया है और इस बार आरजेडी के टिकट पर चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। बार बार कैमरे पर ऐलान भी कर रहे हैं कि तेजस्वी ही बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। हम लड़ेंगे लालू यादव के सीट से। और क्या कुछ कहेंगे सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने लोगों को? क्या तेजस्वी जी मुख्यमंत्री होंगे, होल हैं, पूरी तरह से समर्थन रहेगा अनंत सिंह का? पूरी तरह। अगर मोकामा सीट पर मुकाबले की बात करें तो एनडीए गठबंधन में मोकामा सीट जेडीयू के खाते में गई है और जेडीयू ने राजीव लोचन सिंह को प्रत्याशी बनाया है। देख रहे हैं एबीपी न्यूज, मैं हूं आपके साथ निधिश्री। और बिहार में विधानसभा का चुनाव है और जिस शख्स को सबसे ज्यादा मिस किया जा रहा है बिहार की राजनीति में वो है लालू प्रसाद यादव। हमने सोचा एक दिन आपको मिस नहीं करने दे लालू प्रसाद यादव को, तो फिर इसका ऑप्शन क्या है? इसका ऑप्शन मैं बताती हूँ, मेरे साथ इस वक्त कृष्णा यादव है। बिहार की जनता को पूरे कोई दिक्कत की बात नहीं है, लालू जी जेल में है तो लालू जी ने हमको भेजा कि जाओ छोटा लालू मेरे रूप में जाकर के पूरा बिहार की जनता को जागृत करो और तैयार करो और नीतीश की निकम्मी सरकार को भगाओ, बिहार बचाओ, तेजस्वी लाओ। अच्छा, नीतीश जी जो है वो इस बार थोड़े कमजोर पड़ते नजर आ रहे हैं। एलजेपी बीजेपी में लड़ाई झगड़ा इन सब चीजों को लेकर के कहा जा रहा है कि भाई एलजेपी अलग लड़ रही है चुनाव, तो आप क्या कहेंगे नीतीश कुमार को? एलजेपी जान गई है कि नीतीश की नैया डूबने वाली है और बिहार की जनता मजबूती से यशस्वी तेजस्वी सरकार बनाने के लिए बिहार एकदम पूरा जोश और जुनून में तैयार है। हाँ। क्योंकि युवा युवती को चाहिए रोजगार है, इस बार तेजस्वी सरकार है। मतलब लालटेन फिर जलाएंगे? लालटेन जल गया कि बाकी है, उन्हें उड़िया गया, तीर उर फूट फाट गया। लालू प्रसाद यादव होते जनता के बीच जाते कि भाई मेरे बेटे को वोट दे दो, आरजेडी को जिता दो, तो क्या बोलते आप लोगों के बीच? लड़ाई हरे भाई, ये बिहार के मैदान में, पूरे भारत में बिहार मैदान है और तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार ने रातों रात पलटी मार के जन मानस का अपमानित किया, उसके खिलाफ में अभी हम लोग लड़ रहे हैं और तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में, क्योंकि वो युवा है और एक युवा जो है वो बिहार का भविष्य है और एक युवा ही युवा के लिए प्रेरणा स्रोत है
और आगे एक युवा को दिल की बातों का एक युवा ही समझता है। तो तेजस्वी जी हर एक मायने में युवा सम्राट है और युवा की बातों को बोलते हैं और सदन में मजबूती से रखने का काम करते हैं और नीतीश जी को धुरमुस करते हैं। ABP News आपको रखे आगे।